हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की का इमेजिन किया हुआ एम्यूजमेंट पार्क हकीकत बन जाता है और वो उसे बचाने के लिए एक मैजिकल जर्नी पर निकल पड़ती है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है वंडरलैंड नाम के एक एम्यूजमेंट पार्क से, जिसे कुछ क्यूट से एनिमल्स चलाते हैं। इनमें है बूमर जो विजिटर्स को ग्रीट करता है, स्टीव जो यहाँ का सेफ्टी इंचार्ज है, ग्रेटा जो विजिटर्स का ध्यान रखती है, गस और कूपर जो मेंटेनेंस देखते हैं, और पीनट जो यहाँ का राइड क्रिएटर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक लड़की जून के घर आता है और हम देखते हैं कि उसके पास उन्हीं पार्क वाले एनिमल्स के टॉयज हैं। पता चलता है कि वंडरलैंड असल में जून और उसकी मॉम की इमेजिनेशन से बना है, जहाँ वो अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नई राइड बनाने के लिए वो पीनट के कान में कुछ विस्पर करते हैं और वो अपने मार्कर से वही राइड वंडरलैंड में भी बना देता है। जून को वंडरलैंड बहुत पसंद है और फिर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों न वंडरलैंड को रियल लाइफ में बनाया जाए, और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस काम में लग जाती है। वो लोग कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके फाइनली एक बड़ा सा रोलर कोस्टर बनाते हैं और जून अपने फ्रेंड बैंकी के साथ उसकी टेस्ट राइड लेती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक स्लाइड टूटने से वो रोड पर आ जाते हैं और एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनके पेरेंट्स को वार्निंग देता है कि आगे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। जून की मॉम भी उसे समझाती है कि अगर वो वंडरलैंड ही बनाना चाहती है तो इस तरह बनाए कि बाकी लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये सुनकर जून को एक और आइडिया आता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर घर में ही एक छोटा मॉडल बनाने लगती है और देखते ही देखते उनका पूरा घर एक छोटा सा एम्यूजमेंट पार्क बन जाता है। फिर एक दिन डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी मॉम को कोई बीमारी हो गई है और उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए कुछ दिन बाहर जाना पड़ेगा। जाने से पहले वो उसे वंडरलैंड का ब्लूप्रिंट बनाकर देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद ही इसे ठीक कर सके, और फिर वो अपने ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। जून को अपनी मॉम के जाने का बहुत दुख होता है और उनके बिना उसे वंडरलैंड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो अपने सभी टॉयज और वंडरलैंड के मॉडल को पैक करके अंदर रख देती है, क्योंकि ये सब उसे उसकी मॉम की याद दिलाते थे। फिर एक दिन उसके अंकल आंटी उनके घर आते हैं और पता चलता है कि वो उसके लिए एक फेरिस व्हील लाए हैं। वो उसका ब्लूप्रिंट निकाल कर वंडरलैंड को दोबारा बनाने को कहते हैं, लेकिन जून गुस्से में ब्लूप्रिंट आग में फेंक देती है और कहती है कि ये सब रियल नहीं बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। ये कहकर वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट का एक टुकड़ा उड़कर जंगल की ओर चला गया है। एक दिन उसके डैड उसे एक मैथ स्कैम के बारे में बताते हैं, लेकिन जून उन्हें छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। ये देखकर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होगी और उसे जाने के लिए मना लेते हैं। बस में जाते हुए जून को अपने डैड का मिस यू नोट मिलता है और उसे लगता है कि शायद वो उसके बिना मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो तुरंत बैंकी से वोमिट की एक्टिंग करने को कहती है और बस के रुकते ही छुपकर वापस घर के लिए निकल जाती है। चलते हुए उसे ब्लूप्रिंट का वो टुकड़ा दिखाई देता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो एक डार्क फॉरेस्ट में आ जाती है। यहाँ उसे एक पुरानी रोलर कोस्टर कार दिखाई देती है जो उसके बैठते ही आगे चलने लगती है। जल्दी ही वो कार उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में ले आती है और जून देखती है कि ये तो उसकी इमेजिनेशन वाला वंडरलैंड है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वो बूमर और बाकी एनिमल्स को आते हुए देखती है जो उसे भागने को कह रहे हैं। बूमर उसे कहता है कि यहाँ एक जंग चल रही है, और तभी जून वंडरलैंड के उन चिंपांजीज टॉय को आते हुए देखती है जिन्हें बच्चों को गिफ्ट दिया जाता था। सभी एनिमल्स उन टॉयज को रोकने में लग जाते हैं और जून इसे एक बुरा सपना समझकर वहाँ से बाहर भागने लगती है। तभी वो देखती है कि वो सब बहुत डरे हुए हैं और हिम्मत करके उनसे मिलने जाती है। यहाँ उन एनिमल्स को पता चलता है कि जून उनके और वंडरलैंड के बारे में सब जानती है, और ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। जून उनसे उस डार्क क्लाउड के बारे में पूछती है और तब बूमर उसे बताता है कि कैसे एक दिन अचानक क्लॉकवर्क स्विंग ने काम करना बंद कर दिया जो इस पार्क की जान हुआ करती थी। तभी उन्होंने पहली बार इस क्लाउड को देखा जिसने अपनी शैतानी शक्ति से उन टॉयज को चिंपा ज़ॉम्बीज में बदल दिया, और तब से वो वंडरलैंड को तोड़कर उसे क्लाउड को खिला रहे हैं। जून उनसे पीनट के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताते हैं कि वो अकेले ही क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक करने गया था, लेकिन चिंपा ज़ॉम्बीज उसे भी पकड़कर अपने साथ ले गए। यहाँ वो एनिमल्स जून के पास वंडरलैंड का ब्लूप्रिंट देखते हैं और तब जून उन्हें बताती है कि ये पूरी जगह मैंने और मेरी मॉम ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। ग्रेटा को ये सुनकर हंसी आती है, लेकिन बूमर को लगता है कि अगर वो यहाँ की क्रिएटर है तो जरूर क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक कर सकती है।
तभी स्टीव देखता है कि चिंपा ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने आ रहे हैं और वो सब बचकर भागने लगते हैं। जून एक फ्लाइंग फिश के थ्रू यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वो फिर से अंदर आ पहुँची है और तभी चिंपा ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करते हैं। ग्रेटा यहाँ उसे बचाकर बाकी सबके साथ अपने ठिकाने पर ले जाती है और जून पर इल्जाम लगाती है कि वो उन्हें छोड़कर भाग रही थी। तब जून उन्हें अपने डैड के बारे में बताती है कि कैसे वो उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि डार्क क्लाउड की वजह से सभी एग्जिट सील हो चुके हैं। वो समझ जाती है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे किसी भी तरह क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक करना होगा और वो उन्हें खुद को उस तक ले जाने को कहती है। जल्दी ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन काफी चेक करने पर भी जून उसे ठीक नहीं कर पाती और देखती है कि ब्लू प्रिंट पर भी उसके नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा है। तभी वो टुकड़ा एक बार फिर उड़कर दूर जाने लगता है और वो सब उसके पीछे फायरवर्क फॉल्स तक आते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा ग्लास का फर्श है। स्टीव उन्हें जल्दी से यहाँ से वापस चलने को कहता है और तभी वो देखते हैं कि चिंपा ज़ॉम्बीज़ नीचे से उस ग्लास को तोड़ रहे हैं। वो ऊपर जाने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ भी उन शैतानों ने फायर क्रैकर्स ऑन कर दिए हैं, जिससे एक आग का वॉटरफॉल बन गया है। बाकी एनिमल्स किसी तरह स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जून अभी भी ऊपर ही फंसी हुई है। तभी एक चिंपा ज़ॉम्बी ग्लास को तोड़ देता है, जिससे जून नीचे गिरने लगती है और बूमर तुरंत उसकी तरफ एक अम्ब्रेला फेंकता है। जून भी उसकी मदद से फायर रिवर को पार करती हुई सेफली नीचे आ जाती है, लेकिन देखती है कि ये एक सुनसान इलाका है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन एक होल में गिरने से जीरो ग्रेविटी लैंड में आ जाती है, जो उसी का इमेजिन किया हुआ एक फन पार्ट है। मस्ती करते हुए वो एक घर तक आती है और अंदर झांकने पर उसे पीनट खड़ा हुआ दिखता है। उससे बात करके उसे पता चलता है कि वो चिंपा ज़ॉम्बी से छुपकर यहाँ रह रहा है और वो उसे अपना मार्कर यूज करके वंडरलैंड को दोबारा ठीक करने को कहती है। तब पीनट उसे बताता है कि ये सारी चीजें वो किसी की आवाज़ सुनकर करता था, लेकिन अब वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। और उसकी बात सुनकर जून समझ जाती है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि अपनी मॉम के जाने के बाद उसने वंडरलैंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। वो पीनट को भी ये बताने लगती है, लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए चिंपा ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। पीनट किसी तरह मार्कर के साथ उसे बाहर भेज देता है, लेकिन खुद एक बार फिर पकड़ा जाता है। जून भी बाहर आकर एनिमल्स को बताती है कि पीनट अभी जिंदा है और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें फायरी वर के ऊपर एक ब्रिज बनाना होगा। आगे वो उन्हें बताती है कि कैसे ये डार्क क्लाउड भी उसी की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि उसने अपनी इमेजिनेशन का यूज करना बंद कर दिया था। ये सुनकर वो एनिमल्स उससे बहुत नाराज होते हैं और इस तबाही के लिए उसे जिम्मेदार बताकर वहाँ से चले जाते हैं। जून को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए अपनी मॉम से माफी मांगती है। तभी वो ब्लूप्रिंट का टुकड़ा फिर से वहाँ आता है और जून वो मार्कर निकालकर अकेले ही ब्रिज बनाने की ठान लेती है। फिर वो एक बड़ी सी मशीन को देखती है और कुछ रस्सियों और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मदद से उसे चलाने लायक बनाती है। आगे वो टूटी पड़ी राइड्स को जोड़ने लगती है और देखते ही देखते फायर रिवर पर ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। बूमर और बाकी एनिमल्स भी ये देखकर उसकी मदद को आते हैं और जून बताती है कि उनमें से किसी को इस ब्रिज की एक टेस्ट राइड लेनी होगी। यहाँ वो लोग बूमर को ऊपर भेजते हैं, लेकिन वेट की वजह से उसकी राइड उल्टी डायरेक्शन में जाने लगती है और जून समझ जाती है कि ट्रैक टूटा होने के कारण वो सीधा फायर रिवर में जा गिरेगा। वो एक रस्सी से उसे रोकने का प्लान करते हैं, लेकिन खुद भी उसके साथ उड़ते हुए फायर रिवर के पार आ गिरते हैं। यहाँ जून देखती है कि चिंपा ज़ॉम्बी बाकी चीजों के साथ पीनट को भी क्लाउड में ले जा रहे हैं और वो अकेले ही उसे बचाने निकल पड़ती है। जल्दी ही वो भी क्लाउड में पहुंच जाती है, जहां उसे बंधा हुआ पीनट दिखाई देता है। वो किसी तरह उस तक पहुंचकर उसे आजाद कराती है और यकीन दिलाती है कि वो लोग मिलकर वंडरलैंड को दोबारा पहले जैसा कर देंगे। फिर वो अपनी मॉम के जैसे उसके कान में एक आइडिया विस्पर करती है और पीनट को उसका मार्कर पकड़ाती है। पीनट भी तुरंत मार्कर की मदद से बेंडी स्ट्रोस की एक स्लाइड बनाता है, जिससे होते हुए वो दोनों क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और उनके दोस्त भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो चिंपा ज़ॉम्बीज़ को अपने पास आते हुए देखते हैं और इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, पीनट वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। तभी वो देखते हैं कि क्लाउड से निकली एक स्लाइड उनका पीछा कर रही है और वो उससे बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ जून देखती है कि उसका नाम जो उसकी मॉम ने ब्लूप्रिंट पर लिखा था, असल में क्लॉकवर्क स्विंग को फिक्स करने का तरीका है और वो तुरंत ये बात पीनट को बताती है। तभी क्लाउड उन पर हमला करता है, जिससे वो सब नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन पीनट जून को फिर से स्ट्रो में ले आता है।
बाकी एनिमल्स चिंपा जोम्बिस को रोकने में लग जाते हैं और जून पीनट के साथ मिलकर क्लॉकवर्क स्विंग पर अपना नाम लिखने लगती है। जल्दी ही वो पूरा नाम कंप्लीट कर लेते हैं और स्विंग के अटके हुए गियर्स फिर से चलने लगते हैं। उसके चालू होते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और डार्क क्लाउड से टकराकर उसे नष्ट कर देती है। फिर वो देखते हैं कि क्लाउड से वंडरलैंड के सभी टुकड़े निकलकर वापस अपनी जगह पर जाने लगते हैं और देखते ही देखते उनका पार्क पहले जैसा हो जाता है। तभी वहाँ वो चिंपा ज़ॉम्बीज आते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो भी अपने पुराने रूप में आ गए हैं और वो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। पीनट उन्हें वापस नीचे लाता है जहाँ जून उन सबसे विदा लेती है। यहाँ ग्रेटा उसे क्लाउड का बचा हुआ हिस्सा दिखाती है और जून कहती है कि ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमें कभी अपनी इमेजिनेशन को नहीं रोकना चाहिए। फिर वो पीनट से वादा करती है कि वो हमेशा वंडरलैंड का ध्यान रखेगी और उसके बाहर आते ही वंडरलैंड फिर से गायब हो जाता है। आगे हम उसे घर पे अपने डैड से मिलते हुए देखते हैं जो बताते हैं कि अभी आधे घंटे पहले ही उन्होंने उसे छोड़ा था और ये सुनकर जून को थोड़ी हैरानी होती है। वो समझ जाती है कि ये जो कुछ हुआ वो भी उसकी एक इमेजिनेशन थी और फिर वो अपने टॉयज को दोबारा बाहर निकालती है। आगे हम उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए देखते हैं और तभी उसकी मॉम भी ठीक होकर वापस आ जाती है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने घर में ही एक रियल वंडरलैंड बनाया है जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी और वहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है। एंड में वो उन्हें कहती है कि हमारे पार्क को एक नई राइड की जरूरत है और पीनट के कान में कुछ विस्पर करती है। ये आवाज उसकी इमेजिनेशन में पीनट तक पहुंच जाती है जो तुरंत वहाँ एक नई राइड बना देता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।